नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। और इस समय की बड़ी खबर ये है कि एक पीआईएल दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अब ये डायरेक्शन दी है कि जितने भी यहाँ पर अनऑथराइज्ड अनरजिस्टर्ड पोर्टल हैं उन पर एक नकेल कसी जाएगी। अब ये पूरा मामला क्या है कि एक पीआईएल सीक की गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि बहुत से फेक न्यूज़ पोर्टल्स रन कर रहे हैं और इस पर कुछ अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इस पर डबल बेंच ने अब इस पीआईएल फाइल करने वाले को ये कहा है कि वो अपनी पूरी रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाएं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये इख्तियार दिए हैं, ये पावर्स दिए हैं कि वो इस पूरे मामले पर कोई एक्शन ले सकें। ये अपील जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से फाइल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आजकल बहुत से ऐसे अनरजिस्टर्ड फेसबुक पोर्टल्स चल रहे हैं जो कि ब्लैकमेलिंग और वायरल न्यूज़ के चक्कर में कुछ भी कंटेंट चला रहे हैं, और इस सब पर अंकुश लगाने के लिए कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई थी। अब इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पिटीशन फाइल करने वालों को कहा है कि वो ये पूरा डाटा लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाएं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह हिदायत दी गई है, ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो एक्शन ले। अब ये पिटीशन क्या थी, थोड़ा इस पर बात करते हैं। इस पिटीशन में ये कहा गया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी परमिशन हैविंग बीन ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रनिंग अ न्यूज पोर्टल, इट इज सफिशियंट टू इन्फर दैट देयर इज नो प्रॉपर लीगल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्लेस एट प्रेजेंट, विद द रिजल्ट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन प्रिवेल्स ऑन द सब्जेक्ट एज टू द जेन्युइननेस ऑफ एनी न्यूज ट्रांसमिटेड बाय सच चैनल्स एंड पोर्टल्स। यानी कि आजकल अगर आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे, अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चले जाओ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर कम से कम 50 माइक पड़े रहते हैं। अब ये कितने पोर्टल्स सही हैं, कितने पोर्टल्स गलत हैं, कौन फेक न्यूज़ चला रहा है, पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि बहुत से फेक न्यूज़ चलाने वाले पोर्टल्स भी सामने आए, और इस पर पुलिस ने और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी संज्ञान लिया और ऐसा कहा कि पुलिस ऐसे पोर्टल्स को आइडेंटिफाई करे जो कि फेक न्यूज़ चला रहे हैं, और इसी संदर्भ में ये पिटीशन फाइल की गई थी। इस पिटीशन में ये भी कहा गया था कि आजकल अगर देखा जाए तो कोई भी माइक और कैमरा लेकर जर्नलिस्ट बना हुआ है, और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि कोई भी कैसी भी न्यूज़ बिना वेरीफाई किए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि सोसाइटी पर एक बुरा असर डालती है, और इससे उन लोगों पर भी सवालिया निशान लगता है जो कि सही न्यूज दे रहे हों। वहीं इस पिटीशन में केबल ऑपरेटर्स के बारे में भी कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स को ये बात सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो नेशनल दूरदर्शन चैनल्स हैं उन्हें भी ऑन एयर करें, ताकि लोगों तक एप्रोप्रिएट और प्रॉपर सही न्यूज पहुंच सके। तो यानी कि अब एक बार फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा, और ये जो पिटीशन फाइल की गई है इसके बाद डबल बेंच की जो कोर्ट है उसने ये निर्देश दिए हैं इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि वो इस पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, और जो भी कार्रवाई इन इनलीगल्स इन अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स पर होगी वो अब की जाएगी। और सोसाइटी को देखते हुए अगर देखें तो ये समय की ज़रूरत भी थी कि ऐसे फेक पोर्टल्स जो रन हो रहे हैं, जो वायरल न्यूज़ के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में कोई भी न्यूज़ अपलोड कर देते हैं, इन पर एक अंकुश लगाया जाए। और इसी संदर्भ में जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से ये पीआईएल फाइल की गई थी, और इस पर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन इसका संज्ञान लेंगे और इस पर बहुत जल्द अंकुश लगेगा। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिलहाल बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।